शांति। आज की तारीख है 6/12/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक बहुत ही सुंदर, विचित्र और हम सब के काम का है। तो आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक सुनिए। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि तीन बाप का राज सबको कहानी मिसल सुनाओ। अब मैं अभी कहानी मिसल सुनाने जाऊंगी, बहुत समय चाहिए, परंतु मैं आपको ये बता देती हूँ, एक है लौकिक, दूसरा है अलौकिक, तीसरा है पारलौकिक। जब तक बेहद बाप को पहचान कर पावन नहीं बने हैं, तब तक वर्षा मिल नहीं सकता। प्रश्न है, बाबा बिल्कुल ही नया है, उसने तुमको अपना कौन सा नया परिचय दिया है? उत्तर है, बाबा को मनुष्यों ने हजारों सूर्यों से तेजोमय कहा, लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं तो सूक्ष्म बिंदु हूँ। सुना सभी ने, जाना? अच्छा, आगे बाबा कहते हैं, तो नया बाबा हुआ ना, पहले अगर बिंदी का साक्षात्कार होता तो कोई मानता ही नहीं। इसीलिए जैसी जिसकी भावना होती है उन्हें वैसा ही साक्षात्कार हो जाता है। गीत बजा है, ओम नमः शिवाय, पितु मातु सहायक स्वामी सखा। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर एक, योग बल से आत्मा को सतोप्रधान बनाकर एक रस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। याद की गुप्त मेहनत करनी है और एकांत में पढ़ाई करनी है। नंबर दो, बाप से मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। पवित्रता की योग्यता अवश्य धारण करनी पड़े। वरदान परमपिता शिव बाबा सतगुरु का एक पॉइंट शब्द की स्मृति से मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से बचाने वाले नंबर वन विजयी भव। मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय विशेष माया का प्रभाव मन में नेगेटिव भाव और भावना को पैदा करने व यथार्थ महसूसता को समाप्त कराने का चल रहा है। इसीलिए पहले से ही सेफ्टी का साधन अपनाओ। इसका विशेष साधन है सिर्फ एक बात याद रखनी है। कौन सी? पॉइंट शब्द। पॉइंट करते हैं तो वो याद रखना है। कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है तो उसे पॉइंट लगा दो, माना फुल स्टॉप कर दो, तब नंबर वन विजयी बन सकेंगे। माया के स्वरूपों को पहचानो, सीजन को पहचानो और स्वयं को सेफ कर लो। स्लोगन है, संगम पर जिने सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है वही पद्मा पदम भाग्यवान है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार
गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।